आसान मजेदार लजीज आज का खाना। और आज का खाना में आप क्या देखेंगे, आज का खाना पे थोड़ा सा ट्रेवल करके जाएंगे बॉम्बे और वहाँ का बनाएंगे बॉम्बे हरा मसाला कीमा। बॉम्बे हरा मसाला कीमा कैसे बनता है वो तो हम देखेंगे, मगर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने उन लोगों का जिन्होंने YouTube पे मेरी वीडियोस को देखा, मेरी वीडियोस को लाइक किया और बेतहाशा कमेंट्स मुझे सोशल ऐप पे आने लगे हैं, जहाँ वीडियोस को पसंद किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है मुझे प्यार और मोहब्बत मिल रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम यूट्यूब के व्यूअर्स का और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आपका ये सफ़र मेरे साथ कायम रहेगा, ये ताल्लुक मेरा कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया, आ जाते हैं किचन में। चलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। बना रहे हैं बॉम्बे हरा मसाला कीमा। उसके लिए पहले एक चटनी पीसेंगे। यहाँ मैंने एक पूरी गड्ढी धनिया की ले ली थी, अगर इससे ज़्यादा भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर हरी चटनी का आता है। 6 से 7 हमने ले ली इसके अंदर हरी मिर्चें। और एक टिप आपको दे रहा हूँ कि जब मसाला बहुत हरा करना हो और क्वांटिटी चटनी की बढ़ानी हो तो आप 1 अदद शिमला मिर्च या पालक के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे यख ठंडा पानी, बर्फ़ के क्यूब भी डाल सकते हैं या यख ठंडा पानी डालने से चटनी का कलर ख़राब नहीं होता। यहाँ चटनी को पीसते हैं और चटनी तैयार करते हैं। हरी चटते हैं कुकिंग की तरफ। आधी प्याली ऑयल के अंदर 2 प्याज बारीक कटी हुई, इनको हम पहले फ्राई करेंगे। 500 ग्राम बीफ का कीमा है, आप मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। मटन के कीमे को आपको थोड़ी देर के पानी डाल के गलाना होगा, और चूँकि मैं बीफ के कीमे को कभी गलाता नहीं, यानी कि सिर्फ फ्राई में ही पकाता हूँ, मेरा बिलीव यह है कि कीमा पानी डालने से और अपना पानी रिलीज़ करता है। यहाँ शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सॉल्ट शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें क्या करना है कि बहुत अच्छी तरह से हमें इस कीमे को भूनना है, यहाँ तक भूनना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। कीमा हमारा बहुत अच्छा फ्राई हो गया है, ऑयल भी बाहर आ गया है। यहाँ इस स्टेज पे मैं इसमें अब शामिल कर दूँगा जो हरी चटनी हमने यहाँ पे पीसी थी। हरी चटनी चूँकि अपना पानी भी रिलीज़ करेगी और हमें उसे भी ड्राई करना है। चटनी हमने थोड़ी सी फ्राई की और चटनी फ्राई करके अब हम इसमें शामिल कर देंगे। हमारे 2 चीज़ें इसमें शामिल करनी है, एक तो जाएंगे ये मटर। मटर मैं बॉयल करके फ्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मटर शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर सिर्फ 1/2 बोल दही का, बहुत ज़्यादा नहीं। दही ग्रीन मसाले के साथ थोड़ी सी वाइटनेस शामिल करती है, ग्रीन मसाले को उभार के बाहर ले आती है। देखिए तेल फिर से बाहर आना शुरू हो गया, हमने इतनी अच्छी तरह इसकी भुनाई की। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, यहाँ पिसा गर्म मसाला जाएगा 1 टीस्पून। मैं कलर के लिए टमाटर इसमें शामिल करता हूँ, वैसे बॉम्बे हरा मसाला कीमा में टमाटर नहीं होते हैं, मगर मुझे इस स्टेज पे थोड़े से चंक शामिल कर दें ताकि खूबसूरती में इजाफा हो जाए। फिर से शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया या आप जो है सोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बस थोड़ा सा फ्राई करना है। कितना खूबसूरत हमारा बॉम्बे हरा मसाला कीमा तैयार है, आ जाएं इसकी प्रेजेंटेशन आपको देते हैं। कैसे बना, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन जल्दी से जो है वो प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल जाएं। अपने शेफ आरिज़ को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।